जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों कल से मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर जो फाइनल मेट है SSC GD की 20 तारीख जो आने वाली थी, ये रीमेडिकल और मेडिकल फिट वालों की अलग अलग आएगी, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उसकी वजह से कल रात को भी मेरे को मैसेज आए थे और भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर क्या ये सच बात है। तो आज का ये वीडियो पूरा का पूरा उसी पे है दोस्तों। साथ ही बता दूँ जो मेरा दूसरा YouTube चैनल फौजी मैथ अकेडमी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस पर मैंने मैथ और रीजनिंग की क्लास शुरू कर दी है। जो आने वाला SSC GD 2021 की जो तैयारी करने वाले जो लड़के हैं वो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें, आपके छोटे भाई बंधु है तो उनमें ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों ये काफ़ी वायरल हो रहा है और एक रिकॉर्डिंग जो आपने लगभग लगभग जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े उन सभी ने सुन ली होगी, उस रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि इस बार SSC GD की 2 मेरिट आएगी। मतलब जो अभी 20 जनवरी की जो मेरिट आ रही है केवल मेडिकल फिट की आ रही है, और 1 मेरिट आएगी अप्रैल में, वो आएगी रीमेडिकल वालों की। आप सभी ने ये सुना होगा, काफ़ी वायरल हो रही है कि एक SSB हेड क्लर्क से शायद वो बात चल रही है किसी वकील की, उसमें रिकॉर्डिंग के आधार पर ऐसा बताया गया है। तो अब इस बात को पहले मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, उसके बाद में आप खुद ही इसका डिसीजन लेना कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। एक छोटी सी आप बात समझिए, फिर इसके बाद में इस बात पर आऊँगा कि क्या रिकॉर्डिंग सही है या गलत है या कितनी इसमें सत्यता है। तो एक बात आप नोट कर लीजिए, सबसे पहले आप एक चीज़ एक अनुमान लगाइए कि 1 लाख SSC GD के फिट कैंडिडेट्स हैं 1 लाख। अगर उनमें से 25,000 रीमेडिकल वाले हैं, यानी 25,000 रीमेडिकल फिट वाले हैं, तो कितने परसेंट हो गया? 25%। 60,000 SSC की सीटें हैं, 60,000 या 62,000 जो भी मान लो, एक बड़ा आंकड़ा ले लो कि 60,000 उसकी सीटें। तो फिर अगर 25% इधर मेडिकल फिट है 25,000, तो इनमें से भी 25,000 फिर रिजर्व करना पड़ेगा ना। 60,000 सीट है, उनमें से भी 25,000 रिजर्व करना पड़ेगा। तो 60,000 में से 25,000 अगर रिजर्व करेंगे तो 15,000, यानी इन 25,000 के लिए 15,000 सीट फिक्स कर दी। तो आप इस बात को इस बात से समझिए, आपको पता है SSC GD की जो फाइनल मेरिट बनती है, सबसे पहले स्टेट डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जनरल OBC SC ST, फिर नक्सल डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, मतलब किस हिसाब से डिवाइडेड होती है, एक स्टेट से लेकर के एक डिस्ट्रिक्ट तक, साथ में OBC SC ST जनरल अलग अलग से कट ऑफ, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट तक की सीटें रिजर्व होती है। मतलब इस प्रकार से जाल बना हुआ है कि सीटें किस, कई लोगों के कन्फ्यूज़न ख़त्म ही नहीं होता कि सर हमारा नक्सल में नाम नहीं आया, हमारा जनरल में आ गया, हमारा नक्सल से मेरिट आएगा, जनरल से मेरिट आएगा, बॉर्डर से मेरिट आएगा। कुछ बोल रहे कि SSB की सीट बॉर्डर में नहीं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में CISF की सीटें नहीं है, हमको क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। तो इतना बड़ा मतलब जाल बना रखा है। इसको समझने के लिए आपको केवल 2 मिनट मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि होता कैसे। तो अब अगर मान लीजिए जैसे उसमें 25,000 मैंने बोला कि मेडिकल रीमेडिकल वाले फिट हैं, 25,000 है, तो उनके लिए 15,000 फिर सीटें रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप उधर से 25% रीमेडिकल है तो इधर से सीटें भी तो 25% रिजर्व करनी पड़ेगी। तो अगर 60,000 में से 25% अगर सीटें रिजर्व रखी तो 15,000, तो यानी 25,000 लड़कों के लिए 15,000, और इधर 45,000 किसके लिए? 75,000 लड़कों के लिए। तो ये 75,000 है, इनमें से मुझे बताइए कि रीमेडिकल वाले फिर अगर उनके लिए, रीमेडिकल वालों के लिए अगर सीटें रिजर्व हो जाएगी, अगर वो कम नंबर वाले हैं तो भी फिर वो सीटों पे हावी हो जाएंगे, उनका नंबर आ जाएगा जो इसके ज़्यादा नंबर है, और वो अगर 75,000 कंपटीशन में है तो फिर वो तो रह जाएगा। छोटे से आप दिमाग लगाइए कि अगर 45,000 सीट है, 75,000 बंदे हैं, अब इसमें मान लो कुछ बंदे के 77 नंबर है और मेरिट जाती है 77 पर, इधर 77 वाला रह जाएगा। अगर मान लो 78 पे मेरिट जाती है और ये 77 वाला बंदा रह गया, अगर मान लो अब इधर 25,000 है, इन 25,000 का जो कंपटीशन होगा वो 15,000 सीट पर होगा। अगर 15,000 सीट में से 25,000 जो बंदे हैं, अगर इनकी मान लो मेरिट 73 गई, क्योंकि 25,000 है उसमें से पता तो नहीं है ना कि किसके नंबर ज़्यादा किसके कम, या किस हिसाब से नंबर ज़्यादा कम है, कम भी हो सकते हैं रीमेडिकल वालों के और ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मेरिट अपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अब अगर मान लो नीचे गई, इधर मेरिट 73 पे गई, तो इधर तो 73 वाला आ जाएगा और मेडिकल जो फिट हुआ उसका 77 पे भी नंबर नहीं आएगा। और अगर इधर ऊपर गई, मान लो इधर 80 पे गई, तो फिर ये बंदा बोलेगा मेरे 80 नंबर होते हुए भी मेरा नंबर नहीं आया, और उधर जो मेडिकल फिट है वो 77 पे भी उसका सिलेक्शन हो गया। तो आप इस चीज़ को समझिए, ये मतलब ऐसा किसी प्रकार से रिजर्व सीटें नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार से सीटें रिजर्व नहीं की जा सकती रीमेडिकल वालों के लिए स्पेशली।
कि भाई ये रीमेडिकल के लिए इतनी सीट रिजर्व है और इनकी मेरिट अलग बनेगी। रिजर्व सीट नहीं कर सकते, अगर रिजर्व सीट की तो मेरिट में फ़र्क आएगा 101% फर्क है, क्योंकि नंबर जांच के तो रीमेडिकल नहीं हुआ। रीमेडिकल तो कई जिनके 90 नंबर है उनका भी हुआ है और कईयों के 60 है उनका भी हुआ है, तो उनके लिए सीटें फिक्स करना कि भाई इनके लिए इतनी सीट है ये फिक्स कर पाना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं पाएगा किसी भी आधार पर। कि उनके लिए 10,000 सीट अगर मान लो उनके लिए रिजर्व करे तो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, ऐसा करेगी नहीं SSCGD। अब बात रही कि तो फिर ये रिकॉर्डिंग वायरल क्यों हो रही है, इसमें क्या क्या चीज़ सत्यता है क्या क्या नहीं, इस चीज़ को तो आप समझ गए कि मेडिकल अगर मेडिकल या रीमेडिकल वालों की 2 मेरिट आती है तो उनकी मेरिट का आंकड़े में बहुत फ़र्क आ जाएगा। और मुझे बताओ कि अगर रीमेडिकल वालों की मेरिट नीचे चलेगी तो मेडिकल फिट वाले जो कैंडिडेट है जो 77 पे भी जिनका नंबर नहीं आया वो रीमेडिकल वाला का अगर 73 पे आ गया, क्योंकि मेरिट में तो अंतर आना ही आना है, फिर अगर सीटें रिजर्व हुई तो मेरिट में अंतर आना ही आना है, तो फिर ये बंदा क्या करेगा, ये रोक लगा देगा SSCGD पे, क्योंकि नाइंसाफी के लिए रोक लगा सकता है हाई कोर्ट में जाके। तो अब ये पूरी बात आप खुद ही बताइए क्या ऐसा हो सकता है। रीमेडिकल वाले हमारे साथ ही ज्वाइनिंग किए थे, हमारे साथ ही उनकी मेरिट आई थी और हमारे साथ आपके साथ ही उनकी मेरिट आएगी, ऐसा ही होगा, ये अलग नहीं होगा। अब रिकॉर्डिंग की मैं सच्चाई बता दूँ, एक SSB का जो कलर वो बोल रहे हैं कि SSB का कलर को हेड कलर को क्या पता होता है, अगर किसी भी बटालियन का अगर हेड कलर का है तो उसको सिर्फ बटालियन का नॉलेज होता है, SSCGD का नहीं। SSCGD में क्या होगा क्या नहीं होगा, जिस हिसाब से बोल रहे हैं ना कि SSCGD ये करेगी SSCGD वो करेगी, या SSB में जिनका मेडिकल फिट हुए हैं उनके लिए हम जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार नहीं है, बटालियन कभी जिम्मेदार नहीं होगी। मुझे एक बात बताओ कि मान लो मैं अगर गवर्नमेंट के रूप में अगर ड्यूटी करता हूँ कहीं पे भी, वहाँ पर अगर गलती होती है तो उसको सुधारूंगा मैं या गवर्नमेंट, क्योंकि मैं सिर्फ गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार काम करता हूँ, तो गलती मेरी नहीं गवर्नमेंट की मानी जाएगी। तो वहाँ पर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो डिपार्टमेंट की उसमें बोल रहा है कि हाँ हमारी गलती है, SSB की गलती है, हमारी ये गलती नहीं है उनकी कोई, डिपार्टमेंट का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट के रूल के अनुसार वो सिर्फ काम किए हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर बार बोर्ड में एक ही बंदा हो, हर बार बोर्ड चेंज होता है, हर बार बोर्ड में नए बंदे आते हैं, वो बिल्कुल झूठी वायरल कर रहे हैं। अब ये वायरल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छी चीज़ बताएगी तो आप वीडियो देखोगे नहीं उनके, कुछ ना कुछ उनको वायरल करके आपको मतलब आपको आकर्षित करना अपनी तरफ, आपको डराने वाली चीज़ आपके सामने पेश करेंगे, ताकि डर से इंसान क्या होता है आकर्षित होता है। भगवान के मंदिरों में भीड़ क्यों होती है, डर की वजह से ही होती है, आपने पहले भी सुना होगा, जब हमारे मेरिट आने लगती है कैसे प्रभु याद आते हैं, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान, उससे पहले जब जिस दिन मेरिट आ जाएगी उस दिन के बाद में भगवान को भूल जाओगे तो डर, तो वो ये काम करना चाहते हैं कि मैं इनमें डर फैला दूं इतने से टाइम में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये फालतू की बकवास है। उसमें आपने जितनी मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, किसी ने मेरे को काफ़ी भेज दी लेकिन मैंने एक को सुनी, उसमें बोल रहे हैं मैं कलर बोल रहा हूँ ऐसा है, कलर को क्या पता होता है, मैं स्टाफ सिलेक्शन का कमीशन का कलर हूँ क्या, अगर मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कलर्क हूँ तो भी मेरे को नहीं पता होगा कि आगे क्या होगा, रीमेडिकल की मेरिट अलग आएगी, या वो सिर्फ कुछ लोगों को पता होता है जो फाइनल मेरिट बनाते हैं, जो बोर्ड बनाता है फाइनल मेरिट उसको पता होता है, उनके दिशा निर्देश चलते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे ये फाइनल मेरिट होगी और इस प्रकार से होगी। तो ये फालतू आपको डराने के लिए, आपको बगैर फालतू आपका माइंडली डिस्टर्ब करने के लिए मान लो, या अपने वीडियोज़ को YouTube पर या टेलीग्राम ग्रुपों में मतलब हाइलाइटेड करने के लिए, आप लोगों को जोड़ने के लिए ये सब इसके में चल रही है दोस्तों। आपको इससे पहले कईयों का कॉल भी आ रहा है, मुझे पता है कुछ लोगों को बोल रहे हैं हमको DSP बोल रहे हैं, हम कमांडेंट बोल रहे हैं, हम DSP बोल रहे हैं, आपका मेडिकल नहीं हुआ था, आपका रिजेक्शन हो गया था, आपका ये हो गया था, तो ऐसे किसी भी कॉल को भी अटेंड ना करें, अगर आए तो उसको ब्लॉक कर दें, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंटली आपको कॉल नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तो सीधा सीधा आपसे पैसे लूटने के चक्कर में स्कीम लगा रहे हैं। तो SSCGD की जो फाइनल मेरिट है फिर से बोल रहा हूँ एक ही होगी, हाँ अगर कुछ बंदे जैसे कि जिनका रिजेक्शन हुआ है और रिजेक्शन में अगर मान लो कमियाँ पाई गई है डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनका वापस रीमेडिकल होता है, फिर अगर उनको सेलेक्ट होते हैं वो सीटें उस नंबर पे वो सेलेक्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन साफ साफ लिखता है शुरुआत में भर्ती है कि सीटें बढ़ाई और घटाई दोनों जा सकती है, तो उस कंडीशन में वो सीटें बढ़ा सकती है 2, 4, 5, 10 और उनकी अलग से मेरिट बन जाती है, अगर वो मेरिट मानने लायक है तो उनको उस नंबर पे ले लिया जाता। लेकिन कल वो बता रहे हैं कि हमारे इतने यहाँ से ये गलती हुई है, हमारे यहाँ पे SSB में ये गलती हुई है और इस प्रकार की गलतियाँ हम सुधारेंगे, नहीं आपको बोर्ड नहीं हो, बोर्ड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, और अगर
वो मानता है कि हाँ ये फिंगरप्रिंट जिनके मिसमैच हुए हैं इनको टाइम दिया जाए, तो उनको 1 महीने का 20 दिन का टाइम देगा और वहीं पे नहीं देगा, वो अब कहीं पे भी करा सकता है, ज़रूरी नहीं कि किसी एक बटालियन में कराए। तो दोस्तों वो रिकॉर्डिंग पूरी फेक रिकॉर्डिंग बनाई गई है, कोई मतलब नहीं है। और कोई भी कलर या कोई भी गवर्नमेंट पद अधिकारी, चाहे मैं भी हूँ चाहे कोई भी हो, फ़ोन पे या किसी भी प्रकार से मैं दावा नहीं कर सकता कि ये ऐसा होगा ये ऐसा होगा, बिल्कुल 101%। मैं किसी को अगर कॉल पे मेरे से जितने बंदे बात किए, अगर किसी ने मेरे से मेरिट की डेट भी पूछी है, तो मैंने किसी को 101% ये डेट नहीं बताई है कि इस डेट को फाइनल मेरिट आ जाएगा, इस प्रकार से मेरिट में आपका नंबर आ ही जाएगा। सिर्फ एक यही बता सकते हैं कि हाँ भाई इस प्रकार से हो सकता है, ऐसा हो सकता है, फाइनल मेरिट तब तक आ सकती है या इस समय आपकी मेरिट अब तक आ सकती है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये क्लियर करके कोई नहीं बोलेगा ना, इसको ना इतना किसी को अधिकार है कि कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट में पीडीएफ चलती रहेगी, एसएससी जेडी की वैकेंसी नहीं। अभी 2017 वालों के मैं आपको कम से कम 40, 50, 60, 100 केस बता दूंगा। 2017 की जो एसएससी फाइनल मेरिट आई थी उस पर भी 100 केस हो रखे हैं कोर्ट में, वो तो चलते रहेंगे, वो तो इंडियन कोर्ट में चलते रहेंगे। किस लिए कि मेरिट में ये नहीं किया था, इस स्टेट की ये मेरिट इस प्रकार से नहीं बनी थी, इस जगह की मेरिट इस प्रकार से नहीं बनी थी, ये केस चलते रहते हैं। तो इन पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि कोर्ट में उसका केस चल रहा है, उसका केस चलते रहेंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा। अगर कोर्ट में केस में कोई जीतता है तो उसकी अलग से वैकेंसी बढ़ा के उसको ले लिया जाता है। तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, और ये बार बार आप चिंतित मत हो, अब थोड़े से दिन बचे हैं तो एक ही मेरिट बनेगी, और जिस दिन आए उस दिन देख लेना। जय हिंद, जय भारत।